इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास भी आईटेल का मोबाइल तो आप अपने आईटेल मोबाइल फोन में अब दोस्तों क्यूआर कोड से आप वाईफाई कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब आप किसी के भी फोन के हॉटस्पॉट क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल फोन के वाईफाई के स्कैनर से स्कैन करके जो है वाईफाई कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके लिए आपको अपने आईटेल मोबाइल फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने पर आपको यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, वाईफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ यूज वाईफाई, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग को ऑन कर देंगे, मतलब वाईफाई को ऑन कर देंगे। वाईफाई को जब आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्कैनर आ जाएगा, आपको इस स्कैनर पर क्लिक करना है तो यहाँ पर स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपको आपको दोस्तों जिस भी मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट का क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना है उस मोबाइल फोन के सेटिंग में और उस मोबाइल फोन में आपको दोस्तों वाईफाई का क्यूआर कोड ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास है रियलमी का फोन, तो इसमें मैं सेटिंग में आ गया और उसके बाद हम यहाँ कनेक्शन एंड शेयरिंग पर क्लिक करेंगे, पर्सनल हॉटस्पॉट पर क्लिक करेंगे। हॉटस्पॉट को जब ऑन कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिंगर को लगाएंगे तो यहाँ पर हॉटस्पॉट का क्यूआर कोड आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हमारा स्कैनर ने जो है इसको स्कैन दोस्तों कर लिया उस मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट के क्यूआर कोड को। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि उस मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप दोस्तों क्यूआर कोड से आप दोस्तों वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने आईटेल के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।